सो वेलकम बैक टू माई चैनल सिंपल डेकोर बाय जयति। तो आज का जो टॉपिक है वो है जिसके पास एडिक्वेट बालकनी स्पेसेस नहीं है या उसके लिविंग रूम के थोड़ा सा कॉर्नर में कोई एक छोटा सा जगह है जहाँ पे वो बहुत एक्सपेंसिव कुछ कर नहीं चाह रहे, लेकिन एक अच्छा सा ग्रीन कॉर्नर हो, एक पीस कॉर्नर हो, एक जेन कॉर्नर हो, ऐसा कुछ इसके बारे में सोच रहे हैं। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो मैंने भी ऐसा ही किया है। मेरे बालकनीज ऐसे बड़े ही हैं, लेकिन बहुत सी जगह में ऐसे हैं जहाँ बालकनीज ही नहीं हैं। तो लेकिन ग्रीनरी के एक टच रहे हमारे घर में, ये हम सब चाहते हैं। तो उसी लिए मैं आपको आज वही दिखा रही हूँ। मैं लिविंग रूम का ही एक छोटा सा कॉर्नर, बहुत छोटा सा एक कॉर्नर में कैसे एक बालकनी की टच अब दे सकते हैं जिनके पास बालकनी नहीं है, और जिनके पास है भी उनको भी अगर थोड़ा सा ग्रीनरी लाना है, या कोई भी एक कॉर्नर है जिसको आप ज़्यादा महंगी चीज़ों से नहीं भरना चाहते हैं, या थोड़ा सा कम बजट में कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए आज की ये वीडियो है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए, मैं ये गार्डन या जेन कॉर्नर बनाने के लिए मैं बालकनी की लिविंग रूम की एक कॉर्नर जो है उसको मैंने चूज़ किया, जो कि बहुत पास है मेरे बालकनी की दरवाज़ा के सामने। तो अगर आपको ऐसा कुछ ग्रीन कॉर्नर करना है तो अच्छा है कि अगर आपके आसपास कोई दरवाज़ा या खिड़की रहे। तो पहले मैं ये बिछाऊंगी। ये आर्टिफिशियल ग्रास है, इसको धोने में भी बहुत इजी है, मेंटेन करना बहुत भी इजी है, और आपके फ्लोर भी ख़राब नहीं होंगे। तो इसको आप एज अ डेकोरेटिव पर्पस और प्रोटेक्टिव लेयर के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक एरिका पाम लगाया। एरिका पाम आप यूज़ कीजिए, बिकॉज़ एरिका पाम में बहुत एक अच्छा सा बुशी लुक आता है। इसके ऊपर मैंने एक बुद्धा जी का एक फाउंटेन मैंने यहाँ पे अरेंज किया है। फाउंटेन अगर आपके पास नहीं है तो कोई मूर्ति भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो बुद्धा जी की नहीं हो तो भी चलेगा। अभी ये एक लैंटर्न है जिसके अंदर मैंने फेरी लाइट्स रखे हैं। फेरी लाइट्स एक बहुत अच्छे से जो लुक देता है, और ये मेरा कुछ छोटा छोटा सैक्युलेंस था उसको भी मैंने अरेंज किया है, जैसे कि ये एक ग्रीन कॉर्नर है, सामने भी मैंने रखा है। तो ये ग्रीन कितना आप अरेंज कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लाइट बहुत ज़रूरत है, कोई भी जगह को हाईलाइट करने के लिए आपको लाइट की ज़रूरत होती है। तो मैंने यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट वाइट चाइनीज़ लैम्प लगाया है। और भी कुछ प्लांट्स मैंने यहाँ पे लगाने की कोशिश किया है, और ट्रे के सामने मैं अपने गार्डन से रखी हुई कुछ फ्लावर्स भी ऐड किए हैं। आप जब भी कुछ सजा रहे हैं उसमें एक हार्मोनी रहे ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक कलर थीम यूज़ किया है, थोड़ा सा रस्टिक वाला फीलिंग यूज़ किया है, तो इसीलिए यहाँ पे ग्रीन के साथ मैंने ज़्यादा कोई अलग से कलर कोई यूज़ नहीं किया है। ये जो फ्लावर है ये नेचुरल है, सो इसके साथ ये जा रहा है, पॉपअप कर रहा है। तो लेकिन बेसिकली आप अगर देखिए तो वाइट, ब्लैक एंड ग्रीन है, और मैंने कोई अलग कलर यूज़ नहीं किया है, क्योंकि नहीं तो ये हार्मोनी ब्रेक हो जाता है। और थोड़ा सा एस्थेटिकली भी आपको सोचना होगा, ज़्यादा क्लटर हो तो भी अच्छा नहीं लगेगा, ज़्यादा खाली हो तो भी अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पे मैंने बुद्धा जी के पीछे एक प्लांट ऐड किया है क्योंकि वो जगह खाली लग रहा था, और ये वाला भी
म्यूज़िक बॉक्स के ऊपर मैंने एक आर्टिफिशियल प्लांट रखा है जो जिसका पॉट बहुत रस्टिक है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैंने ये जगह बहुत जैसे बहुत कलरफुल नहीं बनाया, आप बना सकते हैं तो उस लेकिन हारमोनी की तरफ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कैसा लगा मेरा ये सजावट, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे ये चैनल को। तो ये रहा नाइट व्यू आप लोगों के लिए, तो आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। सो बाय।